लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। ललितपुर के पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक गिरजेश कुमार क्षेत्र अधिकारी सदर फूलचंद के निकट पर्यवेक्षण में अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर एसओजी प्रभारी राहुल राठौर व सर्विलांस प्रभारी विनीत कुमार सिंह तथा उप निरीक्षक राय बहादुर सिंह थाना कोतवाली ने मैं हम रहा पुलिस बल चौराहे से दो अभियुक्त गौरव परमार पुत्र महेंद्र सिंह परमार निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली झांसी, अर्जुन सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी ग्राम कुशुमिलिया थाना डकौर जनपद चालौन के कब्जे से दो अदद पिट्ठू बैग एक अदद ट्रॉली बैग से 10 पैकेट में 30 किलो अवैध गांजे के साथ हिरासत में लिया गया है। उपरोक्त के संबंध में थाना कोतवाली से मुकदमा पंजीकृत करके 103/2022 धारा 8/20 NDPC एक्ट पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 10 पैकेटों में करीब 30 किलो गांजा जो है उसकी बरामदगी हुई है, जिसकी अमूमन कीमत जो है करीब 5 लाख के करीब बताई जा रही है और इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी हमें मिली है वो ये उड़ीसा से इसको लाते थे यहाँ पे और यहाँ पर इसको बेचने का काम करते थे। इनके गैंग के अन्य लोगों के लिए इनसे पूछताछ की जा रही है, मुकदमा से पंजीकृत हो गया है और विवेचना के क्रम में जो भी अन्य बातें प्रकाश में आएंगी उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर, बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? ये लोग मूलतः उड़ीसा से जो है गांजा खरीदते थे, वहाँ से लाते थे और उसको जनपद ललितपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे। बाकी इन लोगों के साथ और कौन लोग थे, कौन लोग इनको बेचते थे, यहाँ पर इनका क्या नेटवर्क था, उसकी जो है जानकारी इससे करी जा रही है। विवेचना क्रम में सब बातें। इसके पहले भी पकड़े गए हैं क्या कभी? इनका अभी फिलहाल कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों को नहीं मिला है, बाकी इसकी खोजबीन जारी है। पूछताछ के क्रम में अगर कोई इस तरह की आपराधिक इतिहास सामने आता है तो इससे अवगत करवाएगा। इसकी कीमत कितनी है? इसकी अप्रोक्सीमेटली इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए।